हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम अ टाइगर इन द जू, फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ग्रेड 10 सीबीएसई। इस पोयम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। थोड़ा सा पोयम के बारे में जान लेते हैं। ये पोयम जो है बता रही है कि किस तरीके से टाइगर, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करता है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जहां उसका मेन घर होता है जंगलों में, वहां ना रहकर वो एक जू में एक केज में बंद है। जब रात में तारे निकल रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, तो पोएट जो है टाइगर को जू में देखता है। टाइगर धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा है अपने ही केज के अंदर, यानी कि उस जिस पिंजड़े में वो बंद है उसी में ही वो अपना घूम रहा है। गुस्सा बहुत है उसको, लेकिन वो चुप है क्योंकि वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। पोएट को टाइगर को देखकर इस तरीके से इस अवस्था में काफी सिंपैथी होती है, उसके लिए काफी बुरा फील करते हैं। वो कहते हैं कि टाइगर जो है उसे जंगल में होना चाहिए, लेकिन टाइगर, दुख की बात है कि वो इस कंक्रीट सेल में, यानी ये जो सीमेंट से भरी हुई उसका जो पिंजड़ा है उसमें उन बार्स के पीछे वो लॉक कर दिया गया है। अब क्योंकि टाइगर खुश नहीं है उस जगह पे, इसलिए जो लोग उसे देखने आते हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, उनको देखकर भी वो उन पर ध्यान नहीं देता। टाइगर ना तो फ्री है कि वो अपने उस नेचुरल हैबिटेट में जा सके। अब अपनी इस पोएम की समरी शुरू करते हैं। जो टाइगर है वो अपने केज में ऊपर नीचे घूम रहा है। उसके बॉडी पर जो स्ट्राइप्स हैं वो काफी ब्राइट कलर की हैं। आपने देखा भी होगा टाइगर को कि उसकी बॉडी पे कितनी अच्छी, और मतलब जैसे कहते हैं ना, दूर से धारियां पहचान लेते हो, इतनी ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई होती हैं। अब जो उसके वेलवेट के पैड्स होते हैं, यानी कि जो उनका फर है, जो उनके गद्देदार पॉज होते हैं, उस पर वो धीमे धीमे बिल्कुल चुपचाप घूम रहा है। वो बहुत गुस्से में है, अंदर ही अंदर उसको इतना ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शांत है क्योंकि वो खुद जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। अगर आप जो टाइगर है उसे खुला छोड़ दो तो आप उससे कितना ज्यादा डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो कैसे एकदम से झपट्टा मारेगा, एकदम से आपको मार देगा। लेकिन वही टाइगर अगर पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाए तो वहां वो क्या करेगा। एक छोटी सी जगह में उसको बंद कर दिया जाए, वो मजबूर हो जाएगा। अब वो चुपचाप अंदर बंद है, ना हिल सकता है ना कुछ कर सकता है, बस जितना घेरा है उसी के अंदर वो अपना घूम रहा है। अब जब हमारे जो पोएट हैं, उन्होंने इस इम्प्रिजन्ड टाइगर को देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जो ये जो बेचारा सा टाइगर है, इसको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, यानी कि इसको तो जंगल में होना चाहिए, जहां अगर रात का समय होता, ये टाइगर खुला हुआ होता, जंगल में होता, तो क्या करता वो? वो किसी पेड़ की छाया में नीचे लेटा हुआ होता और बिल्कुल जो लंबी लंबी घास उगाती है उसके बीच में धीरे 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 अपना मूव कर रहा होता। वहीं कहीं आसपास पानी का पॉन्ड होता और वो वहां बैठ के किसी एक मोटे ताजे जो हिरन होते हैं उनका इंतजार करता कि शायद वो वहां से गुजरे और वो उनको पकड़ ले, और हो सकता है वो इसी बात को उम्मीद करके वहीं पे लेटा हुआ होगी, आज तो उसको बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, आज वो हिरन मार के खाएगा। तो इन सब बातों को जो है वो जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो किस तरीके से घूमता, किस तरीके से रिएक्ट करता। फिर पोएट जो है इमेजिन करते हैं कि अगर जो टाइगर है अपने जंगल में जहां पे वो रह रहा होता, अगर उसे वहां कोई शिकार नहीं मिलता या वो शिकार पकड़ने में असमर्थ होता तो क्या होता। तो वो कहते हैं कि अगर बाय चांस टाइगर को कोई शिकार नहीं मिलता तो वो जंगल के कहीं किनारे बैठकर गांव के पास जो है जोर जोर से गुर्रा रहा होता, दहाड़ रहा होता, और जो क्या कहते हैं अपने जो सफेद सफेद दांत होते हैं, जो देखने में इतने जहरीले दांत होते हैं, या उनके जो पंजे होते हैं उनको वो इधर उधर मूव कर रहा होता, दिखा रहा होता। जैसे नहीं होता कि अगर हम शिकार नहीं पकड़ पाए तो हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम कहते डोर डोर से चिल्लाते हैं, वही काम जो है एक जानवर भी कर रहा था। और इस तरह से क्या होता, जब वो तेजी से दहाड़ता तो जो गांव वाले हैं वो डर जाते,
होता क्या है, बेसिकली पोएट जो है ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से जो टाइगर्स हैं उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि अगर हम जंगल धीरे धीरे खत्म कर दें तो होगा क्या, अब जहां वो शिकार जंगलों में पकड़ते हैं अब वो नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे टाउन हमारे विलेजेस की तरफ आएंगे ताकि उनको खाना मिल सके। तो वही पोएट जो है यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं टाइगर को लेके और बताना चाह रहे हैं। पर यहाँ पोएट क्या देखते हैं कि भाई टाइगर जो है वो एक कॉन्क्रीट सेल में जू के अंदर बंद है, उसके पास इतनी ताकत है, इतना ज्यादा वो स्ट्रांग है, लेकिन तब भी उसकी ताकत इस वक्त कोई काम नहीं आ रही, क्योंकि वो जो है उन एक जैसे जेल में बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जेल में बंद है। बहुत ही धीमे धीमे चुपचाप वो ऊपर नीचे घूम रहा है, जो उसकी जितना बड़ा केज है उसी के अंदर वो जो है टहल रहा है। उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कौन विजिटर आ रहा है कौन विजिटर जा रहा है, क्योंकि भाई विजिटर्स तो जू में टाइगर को ही देखने आते हैं, पर टाइगर का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं जा रहा, उसका मन ही नहीं है उनकी तरफ देखने का, क्योंकि वो वहां पर जो है खुश नहीं है और काफी अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। पूरे दिन टाइगर आराम नहीं कर पाते क्योंकि विजिटर्स आते रहते हैं, और यहाँ तक कि रात में भी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहते हैं, क्योंकि वो जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां निकलती रहती हैं उनकी आवाजों से इनको काफी डिस्टर्बेंस होता रहता है। वो बस खाली रात में तारों की तरफ देखते रहते हैं अपनी चमकती हुई आंखों से, ऐसा लगता है जैसे मानो वो आसमान से हेवन से पूछ रहे हों कि वो यहाँ क्यों बंद है, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से उनको इस जगह बंद कर दिया गया है। तो ये थी हमारी समरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।